नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज है और ये आपके NTPC CBT 1 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वेबसाइट द्वारा निर्मित छोटी फाइल जो कि यूजर के कंप्यूटर में उस सेशन के लिए अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? कुकी। आपने मोबाइल वगैरह चलाया होगा तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कई बार आपने कुकीज़ जो है उसको हटाया होगा। ठीक है, तो कुकीज़ क्या होता है कि जब आप कोई भी खोलते हैं वेबसाइट, तो वो जो वेबसाइट है आपके मोबाइल हो या कंप्यूटर में हो, एक डेटा अस्थायी रूप से छोड़ता है या आप कह सकते हैं डालता है, तो उसे कहते हैं कुकीज़। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कुकीज़ किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? रिवर डॉल्फिन यानी कि नदी वाला जो डॉल्फिन है वो कौन सी रिवर में पाई जाती है? देखिए, बहुत सारी नदियां में पाई जाती है, सिंधु नदी में भी पाई जाती है, गंगा में भी पाई जाती है, तो इन चार ऑप्शन में आपको ध्यान देना है। तो ये गोदावरी, कृष्णा वगैरह में नहीं पाई जाती है, घाघरा में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गंगा में भी डॉल्फिन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इस अलंकरणों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दें। यह पंक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में किसने कही थी? तो ये कहा था महात्मा गांधी। हालांकि इतना लंबा चौड़ा, देखिए क्वेश्चन तो अनर्गल है, महात्मा गांधी रोज दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते होंगे, उसमें भी इन लोग का प्रश्न दिख गया। तो ऐसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब महात्मा गांधी में जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि उनका जन्म है, कौन सा आंदोलन चलाया, वो सब तो सब जानते हैं, लेकिन अब ऐसे खोदे खोदे हुए प्रश्न पूछेंगे तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा आदमी हिल जाएगा। ये सब जो प्रश्न है इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब गांधी जी कुछ जा रहे होंगे, छींक दिए होंगे तो पूछ देगा कि सत्याग्रह, कौन से सत्याग्रह में जाते समय छींक दिए, मतलब कि यार अजीब से है। चलिए कोई बात नहीं, जब दे दिया है एग्जामिनर ने तो याद करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? सेतु 6 जैसा सेंस दे रहा है, यानी कि 2016 में, यानी कि लास्ट में 6 होगा। ये एक्चुअली कार्यक्रम क्या है कि जितने भी हाईवे हैं, हाईवे के बीच में कई बार आप देखेंगे कि रेलवे ट्रैक आ जाता है, तो यहाँ पे हाईवे जो है वो जाम हो जाता है क्योंकि रेल क्रॉसिंग रहता है। तो इसके लिए क्या 2020 तक ही ये रखा गया था लक्ष्य कि जितने भी हाईवे हैं उसको अंडरग्राउंड कर देंगे, यानी कि अंदर से निकाल देंगे रेलवे क्रॉसिंग के अंदर से, या ब्रिज बना के ऊपर से लेके चले जाएंगे, यानी कि अब गाड़ी रुकेगी नहीं हाईवे पे, गाड़ियां रुकेगी नहीं रेलवे क्रॉसिंग की वजह से। तो ये जो कार्यक्रम है इसके लिए सेतु यानी कि पुल बनाने की आवश्यकता है अंदर से या ऊपर से, तो इसे कहते हैं सेतु भारतम कार्यक्रम। ठीक है, किसके लिए है वो आपको समझ में आ गया, जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बनाने के लिए। ओपेक में कितने देश सदस्य हैं? तो देखिए, ओपेक में 13 जो देश हैं वो अभी फिलहाल में सदस्य हैं। सी यानी कि 3, सी का मतलब 3 होता है, अगर रीजनिंग बनाते हैं तो सी जो है वो थर्ड नंबर का लेटर है, तो यानी कि लास्ट में 3 होगा ओपेक में। अब कौन कौन से देश हैं वो देख लेते हैं। ऑब्वियस है, जो तेल उत्पादन करते हैं उसी को कहते हैं ओपेक कंट्री। ठीक है, तो यानी कि जो राजा कंट्री होगा, अब देखिएगा एशिया के जितने भी राजा कंट्री हैं जो तेल उत्पादन करते हैं, यहाँ पे यमन वगैरह तो ये सब राजा कंट्री है भी नहीं, क्योंकि कभी आपने यमन वगैरह का नाम नहीं सुना होगा जल्दी तेल वगैरह में। तो जो मेजर मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े कंट्री हैं वहीं तेल उत्पादन, या बड़े इन द सेंस कि पैसे में बड़े, तो एशिया के तेल उत्पादन में बड़े चाइना वैसे भी तो बड़ा, लेकिन तेल उत्पादन नहीं करता, तो कौन करता है? ईरान करता है, उसके बाद कुवैत करता है, कुवैत काफ़ी मतलब कि धनी राष्ट्र इसी वजह से है, उसके बाद कतर, कतर भी काफ़ी धनी राष्ट्र है, उसके बाद यहाँ पे यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो भी काफ़ी धनी है, उसके बाद जो आपका ये सऊदी अरबिया है ये भी काफ़ी धनी है, उसके बाद इराक पे तो इसीलिए तो बम वगैरह बरसाया था सद्दाम हुसैन पे अमेरिका की, यहाँ पे तेल है। ठीक है, तो अब देखिएगा जहाँ पे भी अमेरिका का कुछ ना कुछ लफड़ा रहा है वहाँ से, वहाँ मानिए कि तेल है, जैसे कि इराक से लड़ाई किया, उसके बाद ईरान पे सैंक्शन लगा रखा है, कुवैत और जो कतर है वो कतर में तो कई मतलब कि डिफेंस का जो एयरबेस है वो बना रखा है, कुवैत से ही ये इराक पे हमला किया था, कुवैत में ही ये जो डिफेंस सिस्टम है या आप कह सकते हैं कि एयर
जो पट्टियां हैं यानी कि हवाई जहाज उड़ाने का, वो कुवैत और कतर में है। तो यानी कि अमेरिका का जहाँ जहाँ इधर इंटरेस्ट है वो सभी तेल वाले राष्ट्र हैं। और उसके बाद तो ये चट्टे बट्टे हैं ही है, सऊदी अरबिया, उसके बाद सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यानी कि यूएई, तो दोनों भाई ही हैं। तो यानी कि जितने भी देश इधर आप देख रहे हैं सभी में यूएसए का इंटरेस्ट है। तो बात समझ में आ गई। आप यमन वगैरह के बारे में नहीं सुने होंगे कि यमन वगैरह में यूएसए इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि यहाँ पर उतने तेल है भी नहीं, तेल है लेकिन तेल नहीं है उतने जितने कि इस सब कंट्री में है। तो ये हो गया आपके एशिया के। अब आ जाते हैं अफ्रीका के कुछ कंट्री हैं जहाँ पे कि ओपेक के सदस्य हैं। देखिए यहाँ पे गांव ज़्यादा है, यहाँ पे अफ्रीका में गांव ज़्यादा है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ गरीबी है। तो गाँव में जो है मतलब कि पढ़ाई के लिए हम लोग तेल का इस्तेमाल करते, तेल जला के पढ़ते थे बत्ती में, ठीक है। तो यानी कि अब देखिए याद कैसे करना है। देखिए जलाते थे यानी कि लीबिया, यानी कि लीबिया यानी कि तेल लाएंगे तभी जलाएंगे लीबिया। उसके बाद अल्जीरिया यानी कि जलाएंगे तेल को। उसके बाद यहाँ पे है नाइजीरिया, जीरिया यानी कि जलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे गबून यानी कि गांव में तेल जलाते हैं। फिर अंगोला, आग जलाने में भी तेल लगता है, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे कि जो अफ्रीका में कौन कौन से जो कंट्री है जो ओपे के सदस्य हैं। अंगोला यानी कि आग जलाने के लिए गांव में जलाने के लिए यानी कि नाइजीरिया, और यहां अल्जीरिया हो गया जलाने के लिए, जीरिया हो गया, और लीबिया लाते हैं तेल, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। उसके बाद आपके साउथ अमेरिका महादेश में दो कंट्री हैं जो कि ओपेक के सदस्य हैं, एक वेनेजुएला है और एक इक्वाडोर है, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। मैंने आपको ये वाला याद करवा दिया, ये वाला तो आपको पता ही रहेगा अमेरिका का इंटरेस्ट के कारण। और यहाँ पे दो कंट्री जो है वो आपके ओपेक के सदस्य हैं, बाकी ना यूरोप का कोई कंट्री है, ना ही उत्तरी अमेरिका का कोई कंट्री है, और ना ही ऑस्ट्रेलिया का कोई कंट्री है, ठीक है। तो ये आपके ओपेक के सदस्य देश हो गए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे रोबोट वगैरह है। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियाँ में रोबोट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके फादर किसे कहा जाता है? मैकार्थी को, जॉन मैकार्थी। अब याद कैसे करेंगे, या इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शब्द है उसको किसने गढ़ा, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी। अब देखिए जो कार टेस्ट, बहुत सारे ऐसे कार हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। जैसे कि अगर कार, अगर इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, आसपास कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑटोमेटिक ये रुक जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रहा है कार। आजकल के बहुत सारे ऐसे कार है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलता है, यानी कि उसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती है। तो यानी कि मैं कार थे, इस तरह से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र में देती है? देखिए स्वीडिश जो अकादमी है वो साहित्य का जो नोबेल है, हालांकि स्वीडन ही सभी पुरस्कार देता है नोबेल का, बशर्ते कि वो शांति पुरस्कार ना हो। नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो आपके नॉर्वे की एक बैंक है, कौन सा? रिक्स बैंक। यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, यानी कि शांति से आना है। अगर हल्ला करते हुए आएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, अगर चोरी करने आए तो। रिक्स बैंक जो है वो आपके नोबेल का शांति पुरस्कार देता है, बाकी जितने भी पुरस्कार होता है वो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। तो स्वीडिश अकादमी के द्वारा साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। और आपके तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।